हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सैमुअल रिचर्डसन का बहुत ही फेमस नोवेल पमेला और वर्चू रिवार्डेड की हिंदी में समरी लेके आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। सर, सैमुअल रिचर्डसन को फोर व्हील्स ऑफ नोवेल में एक माना जाता है। उनका जो फर्स्ट नोवेल है पमेला और वर्चू रिवार्डेड, ये बहुत ही फेमस नोवेल है। और इनका दूसरा फेमस वर्क है क्लैरिसा और हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, और लास्ट नोवेल है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये दोनों नोवेल इतने फेमस नहीं हैं जितना पमेला और वर्चू रिवार्डेड है। अब हम बात करते हैं सर, पोमेला और वर्चू रिवार्डेड एक एपिसलरी नोवेल है। एपिसलरी नोवेल ये 1740 में पब्लिश हुआ था। एपिसलरी वो नोवेल होते हैं जो कि किसी लेटर की सीरीज के रूप में लिखे जाते हैं। रिचर्डसन ने ये कहा था कि एक तरफ लेटर जो है उससे रीडर को करेक्टर के थॉट्स के बारे में अच्छे से पता चलता है, दूसरी तरफ राइटर जो है वो करेक्टर के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से शो कर सकता है। रिचर्डसन ने ये क्लेम किया था कि वो टू द मोमेंट लिख रहा था, मींस जैसे ही उसके पामेला कोई एक्शन लेती थी उसके थॉट्स को वो रिकॉर्ड कर देता। लेटर जो है वो हीरोइन पामेला द्वारा लिखे जाते हैं, जिससे कि हमें बाकी करेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जो भी हमें पता चलता है वो पामेला के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है। जो पामेला थी वो हमें पामेला नोवेल से हमें इंग्लिश डोमेस्टिक लाइफ की डिटेल पिक्चर का पता चलता है। और ख़ास करके पामेला में एक हाउसवाइफ बनने की झील थी, जो कि वूमन का एक प्रॉपर रोल था सोसाइटी में। रिचर्डसन ने इस वेल डिफाइंड फेमाइन रोल पर बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस दी थी, क्योंकि उस समय ये मानता था कि वुमेन बहुत ज़्यादा बोल्ड है। ये कुछ इस टाइप के लेटर उसने लिखे थे। पमेला और वर्चू रिवार्डेड जो है वो इंटरोस्पेक्टिव लेटर्स का एक कलेक्शन है, जिसमें जो मेनली किसने लिखे थे, पमेला ने। पमेला एक 15 साल की नौकरानी थी, वो लेटर्स उसने अपने पेरेंट्स को लिखे थे। पोमेला एक डायरी भी लिख रखती हैं और वो अपने घर में अपने पुअर पेरेंट्स को लेटर लिखती रहती है। उनके मम्मी पापा का नाम है जॉन और एलिजाबेथ एंड्रयूज। जब ये नोवेल की शुरुआत होती है तो पोमेला की जो मिस्ट्रेस है उनकी डेथ हो चुकी है, जिनका नाम था लेडी बी। अब पोमेला लेडी बी के सन मिस्टर बी के लिए काम करेंगी। थोड़े समय तक तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर फिर चीज़ें अजीब हो जाती हैं। अपने लेटर्स और डायरी में पामेला ने अपने एक्सपीरियंस को, इमोशंस और फीलिंग थॉट सबको बताया है। पामेला ने एक मिडिल क्लास जो लेडीज होती है उसके वैल्यूज़ की बात की है, क्योंकि मिडिल क्लास लेडीज में मिडिल क्लास में सिर्फ मॉरल रेसिट्यूट होता है, जबकि ऐसा माना जाता है कि नोबल जो होते हैं वो फ्रीअर लाइफस्टाइल रहते हैं। पामेला ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कहती है कि पोमेला ने यह कहा था कि मेरी आत्मा की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी आत्मा इम्पोर्टेंस किसी प्रिंसेस की सोल की है। और जब ये वो बात कहती है तो एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल है, लेकिन वो ये कहती है कि उसका उसके पास भी राइट टू रिस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम हिज सोशल कंडीशंस। अब हम इसके स्टोरी को ढंग से देखते हैं सर। पोमेला जो है वो 15 ईयर की एक मेड सर्वेंट है, ब्रेडफोर्ड शायर स्ट्रीट में। इनोसेंट है, वर्चुअस है, वो लेडी बी की सेवा करती हैं जो कि उस पर दया करती है। अनफॉर्चुनेटली लेडी बी का बेबी डेथ हो गया है। पोमेला नर्वस हो जाती है कि अब उसको क्या होगा, जॉब रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि वो यहाँ पर वैसे सेवा पैसे के लिए नहीं आती हैं। लेडी बी का के सन है मिस्टर बी, वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो सब उसको और सारे नौकर्स को रखेंगे। मिस्टर बी पामेला की तरफ एडवांस होने लगते हैं, उसकी तरफ थोड़ा प्यार वार करते हैं। पहले तो वो वर्बल करते हैं, फिर वो जैसे वो अपने पेरेंट्स को लेटर्स में बताती है, फिर वो कहती है कि मैं जो कुछ भी हो सका अपने वर्चूज को पूरा बचाऊंगी। पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि बेटा अगर मिस्टर बी तेरे लिए ज़्यादा फिजिकल एडवांसेस करें, यानी कि ज़्यादा तेरे पर कुछ करने लगें, तो तू घर आ जाना, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं फिर भी चलो संभाल लेंगे। इसके बाद मिस्टर बी उसकी तरफ एक फिजिकल एडवांसमेंट करते हैं जिसे वो मना कर देते हैं।
वो उसे पे करते हैं ताकि वो चुप हो जाए, पर वो मना कर देती है और अपनी फ्रेंड हाउसकीपर मिसेज जर्विस को ये बात बताती है। मिस्टर बी अब फिर से कोशिश करते रहते हैं, वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं। जब वो उसके क्लोजेट में उसकी अलमारी में छुप जाते हैं, जब वो कपड़े बदलने लगती है वो बेहोश हो जाती है, जिससे मिस्टर बी रुक जाते हैं। पोमेला घर जाने की धमकी देती है, मिस्टर बी इसका विरोध करते हैं और उसको जाने का रोक देते हैं। वो पोमेला को ज्यादा पैसे देते हैं और फिर वो उसे एक लंकशायर के क्लर्की मैन जिसका नाम मिस्टर विलियम्स है उससे उसकी शादी की बात करते हैं। वो इसको मना कर अपना बैग पैक करके घर चली जाती है। मिस्टर बी पोमेला को धोखा देते हैं और उसे अपनी स्टेट में लिंकनशायर में भेज देते हैं। वो उसके पेरेंट्स को एक छोटा लेटर लिख देते हैं कि सर उसने उसको भेज दिया है क्योंकि, और वो उसको इसलिए भेज दिया क्योंकि उसका एक बदनाम क्लर्की मैन से, एक गरीब क्लर्की मैन से उसका अफेयर चल रहा था। पोमेला के फादर इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं और वो वहां पे जाते हैं उसको लेने के लिए, लेकिन वो वहां होती नहीं है। पोमेला लिंकन शायर में एक जर्नल लिखना स्टार्ट करती है। एक दिन वो उम्मीद करती है कि उसके पापा इसे पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। वो एक्चुअली तो एक कैपेटिव गुलाम है और उसके उसके ऊपर मिसेज जैकी ध्यान रख रही हैं। मिस्टर बी पोमेला को लेटर लिखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। वो मना कर देती है। पोमेला अपनी भागने की उनका प्लान बनाती है और वो मिस्टर विलियम्स की हेल्प लेती है। वो एक दूसरे से लेटर लिख लेती हैं। मिस्टर विलियम्स उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो लोकल जेंट्री से भी मदद मांगने जाते हैं वो, लेकिन मिस्टर बी जो है वो सोशल की पोजीशन के कारण सब लोग मना कर देते हैं, बल्कि वो एडवाइस करते हैं कि मिस्टर विलियम्स आप पोमेला से शादी कर लो। मिस्टर विलियम्स पोमेला से कहते कि तुम मेरे साथ शादी कर ले ताकि मैं तुम्हें भगा सकूं, पर वो मना कर देती है। पोमेला को जब पता चलता है कि मिस्टर विलियम्स की को लूट लिया गया है, तो उसको पता चल उसको लगता है कि शायद मिस्टर बी ने ये रोबरी सेट की होगी ताकि उसके लेटर्स को चुरा सके। वो भागने को पूरी कोशिश करती है, पर वो भागते समय उसको चोट लग जाती है, तो फिर वो इस आइडिया को छोड़ देती है। शीघ्र ही मिस्टर बी भी लिंकन शायर में आ जाते हैं। वो पोमेला कहते तो मेरी मिस्ट्रेस बन जा, वो मना कर देती है। मिस्टर बी और मिस्टर जैकिस एक प्लान लेके आते हैं ताकि वो पोमेला को सेड्यूस कर सके। वो एक फीमेल सर्वेंट जिसका नाम है नान, वो नान बनकर आते हैं और वो ऐसा प्रिटेंड करते थे उसने दारू पी ली, एज नार्क वो पोमेला के बेड में सो जाते हैं। जब पोमेला को पता चलता है क्या हो रहा है, तो उसे एक बहुत जबरदस्त दौरा पड़ जाता है। पोमेला के दौरे के बाद मिस्टर बी का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। उनको बड़ा दुख लगता है, पर वो उसको परस्यू करते हैं, लेकिन अब वो उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते। पोमेला उन्हें कहती है कि प्लीज आप रुक जाइए, तो वो एडमिट करता है कि मैं पोमेला तुमसे प्यार करता हूं, पर वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों के बीच में एक सोशल गैप है। पोमेला हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसके कन्फेशन से ठीक हो जाती है। वो कहती है कि चलो आपने जो कहा आप उसका मतलब समझते हैं। मिस्टर बी अब उसके स्टेट को कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो पोमेला को एक जोशी मिलता है जो कहता है कि मिस्टर बी तुम्हें एक मैरिज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है कि चलो ठीक है। जब मिस्टर बी वापस आते हैं तो उसे मिसेज जेकिस जो है उन्हें पोमेला के लेटर्स दिखाते हैं। उन्हें पढ़ने के बाद उसमें पोमेला के प्रति प्यार और बढ़ जाता है। उनको गिल्टी फील होता है कि जिस तरह उन्होंने उसे ट्रीट किया, और वो कहते हैं कि चलो अब मैं सारी चीज़ों को उसे शादी करके ठीक कर दूंगा। पोमेला को अभी भी उन पर शक कर वो मना कर देती है कि मुझे घर जाना है। मिस्टर बी अपसेट होते हैं, पर वो पोमेला को घर जाने देते हैं। पोमेला को बड़ा अजीब सा दुख होता है। अपने घर जाते समय उन्हें मिस्टर बी से एक लेटर मिलता है जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम वापिस आ जाओ और मुझसे शादी कर लो। वो कहते हैं कि मैं बदल जाऊंगा और अपने तरीके भी बदल लूंगा, और पोमेला उन्हें विश्वास कर उस पर विश्वास करके वापिस चली जाती है। जब वो जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार जो ये जेंट्री है, जो बड़े लोग हैं, वो
हमारी मैरिज पर कैसे रिएक्ट करेंगे। और पमेला टेल कहती है कि भी मुझे भी तुम्हारे प्रपोजल पे कुछ शक है। वो कहता है कि वो एडमिट करता है कि हाँ पहले मैं तुम्हें धोखे से शादी करना चाहता था पर अब मैंने अपना माइंड बदल लिया है। जेंट्री पमेला को इजीली एक्सेप्ट कर लेती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, उसके फादर भी वहाँ आते हैं, उनको टेंशन लगती, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो एक मिस्ट्रेस बन गई है। पर वो बड़े खुश हो जाते हैं कि पामेला इंगेज्ड है और बड़ी संतुष्ट है, मिस्टर बी और पामेला जल्दी शादी कर लेते हैं। पामेला को मिस्टर बी की सिस्टर लेडी डावर्स जो है वो बहुत ज्यादा विरोध करती है क्योंकि वो कहती है कि हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। लेडी डावर्स मिस्टर बी को भी मजबूर करती है कि भी तू तो अभी बच्चा है इसलिए तेरे को कुछ समझ नहीं आता। पामेला समझ जाती है कि उनके बीच में एक उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ था मिस गोडविन से। तो वो मिस्टर बी जो है अब पामेला को मिस गोडविन से मिलाते हैं जो ये सोचती है कि मिस्टर बी उसके अंकल हैं। मिस गोडविन की मदर भी है, वो खुशी खुशी जमैका में शादीशुदा है। मिस्टर बी जो है अब वो पामेला के पेरेंट्स को कहते हैं कि आप जाकर कैंट में हमारी स्टेट संभालिए। लेडी डावर भी बाद में पामेला को एक्सेप्ट कर लेती है। पामेला के बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो अपनी फैमिली को बार बार मिलने जाती रहती है, बड़ी खुश है। और वो मिस्टर बाद में मिस गोडविन को भी अपने अंडर ले लेती है, इंश्योर करती है कि वो भी पामेला की तरह ही पायोस हो जाए। तो इस तरह आपने देखा कि मिस्टर बी की दो मैरिज होती हैं, एक मैरिज उनकी पहले मिस गोडविन की मदर से होती है और दूसरी जिससे उनका एक बेटी होती है जिसका नाम है मिस गोडविन, और दूसरी मैरिज इनकी पामेला से होती है जिसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।